नमस्कार दोस्तों, आज पूरे भारत में जो है वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है। जो कोविड-19 वैक्सीन है, इसको हर ज़िले में 6 जगह पे देखा जा रहा है। ये जो प्रोसेस है वैक्सीनेशन की, ये सही है या नहीं है, तो इसको ड्राई रन कहते हैं। और हर ज़िले में 6 जगह ये किया जा रहा है, उसमें से जो 3 साइट्स है ये ग्रामीण इलाकों में है और 3 साइट्स जो है ये शहरी इलाकों में से है। तो ये ड्राई रन आज पूरे भारत में चल रहा है और जल्द ही अभी जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है भारत में शुरू हो जाएगा। पुणे में जो सीरम की वैक्सीन बन रही है कोविशील्ड, इसको पूरे भारत में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दिया जाएगा। सबसे पहले ये 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा और इसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा। 5 से 10 करोड़ वैक्सीन अभी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बनी है। इसके बाद दोस्तों, जो कोवैक्सीन है भारत की स्वदेशी वैक्सीन, इसके भी लगभग 2 करोड़ डोज तैयार है और इनकी क्षमता अगले साल 70 करोड़ डोज तैयार करने की है। तो अभी ये 2 वैक्सीन्स अवेलेबल हुई है और जो दूसरी वैक्सीन है जैसे फाइजर वैक्सीन, उन्होंने भी आवेदन दिया है अपना कि हमारी वैक्सीन को मंजूरी दे। फाइजर वैक्सीन को दुनिया में इंग्लैंड, अमेरिका और अन्य देशों ने परमिशन दी है। इवन जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने भी इस वैक्सीन को मंजूरी दी है, लेकिन भारत में अभी तक इसको मंजूरी क्यों नहीं मिली, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। अभी इसमें जो तर्क दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके लिए काफ़ी कम टेम्परेचर लगता है, इसमें -70 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लगता है। लेकिन दोस्तों, अभी गवर्नमेंट जो है कोविशील्ड से लोगों को वैक्सीनेट कर रही है। कोविशील्ड को फ्रीज के टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट अपना जो प्रोग्राम चला रही है उसको चलाए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो भी फाइजर वैक्सीन को जो है उपलब्ध करा सकती है और जो बड़े बड़े अस्पताल्स है वो इसकी फैसिलिटी अपने आप बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि -70 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। इवन कंपनी भी जो बॉक्सेस है वो ऐसे प्रोवाइड कर रही है फाइजर कंपनी की, उसमें जो टेम्परेचर है -70 ऑलरेडी मेंटेन है और इस बॉक्सेस से ये जो वैक्सीन निकालने के बाद 5 दिन तक ये फ्रिज के टेम्परेचर में इसको रख सकते हैं। तो इस वैक्सीन को भी जल्द से जल्द मंजूरी देनी चाहिए। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि फाइजर वैक्सीन जो है काफ़ी महंगी है और ऑक्सफोर्ड और जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये सस्ती है, तो इसकी वजह से इनको मंजूरी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट अगर कम सस्ती वैक्सीन देना चाहती है, सस्ती वैक्सीन मतलब कम क्वालिटी की, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने कल वीडियो में भी कहा था। लेकिन गवर्नमेंट अगर दूसरे कंपनी की वैक्सीन देना चाहती है तो वो दे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वो फाइजर को अवेलेबल करा सकती है। फाइजर कंपनी की ब्रांच इंडिया में है, फाइजर कंपनी भारत में भी ये वैक्सीन बना सकती है अगर उनको परमिशन मिले। अगर इतने सारे देशों ने इसको परमिशन दी है तो भारत को इसको परमिशन देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसके जल्द से जल्द परमिशन मिलनी चाहिए। मॉडर्ना वैक्सीन है, इसको भी मंजूरी देनी चाहिए। इसके बाद जो रसिया की वैक्सीन है स्पुतनिक वी, ये भी 90 से 95% इफेक्टिव पाई गई है, तो इस वैक्सीन को भी मंजूरी मिल जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट जो है भारतीयों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि अभी भारत में जो केसेस है काफ़ी कम हुए हैं। ठीक है, अभी अच्छी बात भारतीयों के लिए यह है कि यहाँ केसेस काफ़ी कम हुए हैं, तो जब तक कम केसेस है तब तक आप लोगों को वैक्सीनेट कर लो, क्योंकि अभी नए स्ट्रेन कोरोना के आ रहे हैं। एक इंग्लैंड में नया स्ट्रेन मिला है और नए स्ट्रेन की वजह से इंग्लैंड की क्या हालत हुई है आप लोगों को पता है, वहाँ दोबारा लॉकडाउन लगा है। ठीक है, और भारत में ये नए स्ट्रेन के भी 58 मामले आए हैं, तो भारत में भी ये फैल सकता है। ये फैलेगा ही नहीं, इतना पॉजिटिव हमें नहीं चलना चाहिए, हमें जो निगेटिव साइड है वो भी देखनी चाहिए। ये नया स्ट्रेन भारत में फैलने से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों अपने फुल पोटेंशियल में काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स को परमिशन मिले। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना की है, स्पुतनिक वी है, इनको भी मंजूरी मिल जाए और भारत में इनका इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू हो जाए। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। धन्यवाद।